हमारे साथ है आबरा का डाबरा पारस छाबरा जो कह रहे हैं मुझसे शादी करोगे। टीवी 9 आपका स्वागत है। हेलो जी। ओके, तो ये मुझसे शादी करोगे किससे कह रहे हैं? किससे कह रहा हूँ? ये तो अंदर जाके मुझे पता चलेगा जब लड़कियाँ आएंगी और जिस तरीके से मुझे इम्प्रेस करेंगी और मेरी ख्वाबों में जैसे लड़की है कि मुझे कैसी चाहिए वैसी मिलेगी तो क्यों नहीं। ओके, बिग बॉस के जर्नी की बात करते हैं। काफी शानदार जर्नी रही। बोला था आपने कि ट्रॉफी लेके जाएंगे, बट क्या कहाँ पे रॉन्ग हुआ? ट्रॉफी लेके जाऊंगा मैंने बोला और स्टार्टिंग से ही बोल रहा था और मैं पूरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं जीत के ही जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे हारा हूँ क्योंकि जब आपको आइडिया पड़ जाए कि आप नहीं जीत रहे, क्योंकि क्या होता है, एक फीलिंग होती है। मैं पहले बिग बॉस से पहले एक मैंने रियलिटी शो किया हुआ है जहाँ पे जिस दिन मैं जीत रहा था उस दिन सुबह मुझे एक फील आई थी, मेरे गूस बम्स हुए थे, मुझे एक फील आई थी कि आई एम विनिंग। तो उस दिन कल मुझे मतलब आज सुबह उठ के वो वाली फीलिंग आई नहीं, पर इतना पता था कि कुछ अच्छा ही करूँगा। तो मुझे लगता है कि जो मैं पैसे लेके निकला हूँ वो बेस्ट था क्योंकि मैं आया भी अपनी मर्जी से था और जाना भी अपनी मर्जी से ही चाहता था। तो मुझे जनता ने निकाला नहीं, प्यार दिखाया एंड तक। बस जब मुझे समझ में आया और ये बहुत बेटर वे है, बहुत अच्छा वे है, प्राइडली आप निकल रहे हो कि हाँ। यू नो, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपने दोस्ती की और कहाँ पे हीरो पारस जो था वो साइड हीरो बन गया, ऐसे आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा झगड़े सिद्धार्थ के साथ होते थे, तो सिद्धार्थ और मेरे जब झगड़े बंद हो गए तो मैं कहाँ से अपनी हीरो बनती दिखाऊँ या उसको कहाँ से विलन बनाऊँ। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा झगड़ना ही है, आप किसी और तरीके से भी अपना व्यक्तित्व दिखा सकते हो और झगड़ना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब हम चीखते हैं एक दूसरे पे, जो मुद्दों पे बातें करते हैं वो होती तो बहुत नॉनसेंस है लेकिन सर में इतना दर्द हो रहा होता है ना जब हम चीखते हैं, तो उसके बाद हमें इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो सही है, मतलब ऐसे ही है। जब आ रहे थे तो आकांक्षा आपके साथ थी, आप माहिरा के साथ आगे गए और अभी मुझसे शादी करोगे भी बोल रहे हो, तो फिलहाल पारस का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस तो पहले कंफ्यूजिंग था, अभी तो बहुत क्लियर है क्योंकि मैं तो अभी बाहर जस्ट निकला और मुझे नहीं पता कि पीछे से क्या बातें हुई हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि कुछ बातें आउट ऑफ द बॉक्स बोली गई हैं जो कि हैं ही नहीं जिस तरीके से दिखाई गई हैं। तो मतलब अगर आप इतना प्यार करते हो तो वो चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर आप करते भी हो तो इसे समझ में आता है कि फ्यूचर तो हम नहीं देख सकते। तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा बिग बॉस के बाद ऐसा कुछ करूँगा तो एक नेगेटिव फीलिंग रहती है। आई वांट टू यू नो एंजॉय दिस फेम और कलर्स वालों ने इतना मुझ पर भरोसा किया, मुझको इतना प्यार दिया है और मेरी पॉपुलैरिटी देख के उन्होंने मुझको ये ऑफर दिया एक नए शो का जहाँ पे वो मेरे लड़कियाँ ये कह रहे और मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। तो कलर्स भी इतना प्यार दे रहा है तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इतना प्यार दें कि जिस तरीके से बिग बॉस इतना हिट गया है तो ये वाला हमारा जो शो है वो भी बहुत हिट जाए और हम और आगे बढ़ें और होप करें कि एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी जहाँ पे लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑनेस्टली। मुझे ये जितना अंदर बवाल हुए हैं और जितने झगड़े हुए हैं, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऑब्वियसली फोकस उन चीज़ों पर जाता है और पब्लिक वो देखना चाहती है, बट मुझको कभी कभी ऐसा लगता था यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि जब सबको डांट पड़ती थी और मुझको नहीं पड़ती थी, मैं बोलती थी यार डांटनी पड़ी, मैंने कुछ किया नहीं क्या। इवन जब रजत शर्मा जी आए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो मुझ पे इल्ज़ाम ज़्यादा नहीं लगे, मैं उसमें भी स्ट्रेस में आ गई कि मुझ पे इल्ज़ाम ही नहीं लगे यार, मतलब मैंने क्या शो में कुछ नहीं किया। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने शो में अच्छा किया, इतना सवाल करने लायक कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं वो ठीक है, और डेफिनेटली ये जानना कि सबने बोला है कि मैंने इज्जत कमाई है मोर देन एनीथिंग, बिकॉज सुनील ग्रोवर जी ने कल मेरी मम्मी को बोला आपकी बेटी ट्रॉफी नहीं लेके जा रही है पर आपकी बेटी इज्जत लेके जा रही है और उसने वो रिस्पेक्ट कमाई है जो बहुत कम लोगों को इस शो में मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा खराबी नहीं हुई है, मेरा काम नहीं रुकेगा,
मैं काम करती रहूंगी. आई एम वेटिंग टू मिंगल फॉर श्योर बट फॉर गुड. और आई थिंक मेरी जिंदगी की ट्रॉफी वही होगी. मैं काम करना चाहती हूँ बट अगर डेफिनेटली मेरे को कोई अच्छे घर से रिश्ता है तो शादी करके सेटल होना चाहती हूँ, बच्चे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ. आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू वर्क बिकॉज मुझको जिंदगी में इतना अटेंशन कभी नहीं मिला और मैं चाह रही हूँ आज मैं बाहर निकलूँ, साला काम आए और मैं काम करूँ, पैसे वैसे थोड़े कमा लूँ, सिक्योर कर लूँ और फिर उसके बाद देख लेंगे. I'm very happy with my journey and it was not very very easy. It was definitely very very difficult and I've earned a friend from there, Devolina Asim. I'm very happy. The people are important sometimes in the game and I have always given them priority. And being very honest, inside the house the situations were different, people were different and jis tarah se mere padav aaya, I think I was the only contestant who had the most difficult journey. But whatever love I was getting from audience was also very special to me. So thank you so much. Sidra fans ki demand agar pata chali to वैसे ही हम बताएंगे जल्द से जल्द. Lastly हमारे TV9 गुजराती के viewers को क्या कहेंगे जिनने इतना प्यार. तुमने बधाने हूँ बहुत बहुत thank you केवा मांगो चु. मैंने हमेशा एक वस्तु कहूँ चुके हैं आज नी नारी बद्धा पर बहुत जबारी. And आ बदु हूँ विचारती थी पर ना शोमा अभी ने घनी बदी वस्तु जो हुई मैंने मैंने विचारता साथ इतलू याद है भी के ગુજરાતીઓમાં એક મસ્ત મીઠાશ હોય એટલે જ શુગર કોટેડ કહેતા અને વાત પણ એટલી તડાકેદાર હોય કંઈ પણ આવે પાછળ નહીં હટે આગળ જ જાય. સો આઈ એમ વેરી હેપી થેન્ક યુ આઈ એમ પ્રાઉડ ટુ બી ગુજુ. મેરે લીએ અગર કોઈ મેરી બાતો સે કોઈ મેરી ચીજો સે હસ રહા હૈ તો ઇસસે બડી ખુશી મેરે લીએ ઓર કોઈ નહીં હૈ કે અગર મેરી મેરી વજહ સે કિસી કે મુંહ પે સ્માઈલ આ રહી હૈ તો મેં એસી હું જો ભી હું ઓર એક એન્ટરટેનર નામ જુડા મેરે સાથ સો આઈ એમ પ્રાઉડ ટુ બી એન એન્ટરટેનર. મંઝિલ કે કાફી કરીબ આઈ બટ ટ્રોફી સિદ્ધાર્થ લેકે ગયા તો કેસે ફીલિંગ થી આપકી. કોઈ ગલત ફીલિંગ નહીં થી, બહોત અચ્છી ફીલિંગ હૈ કોઝ સિદ્ધાર્થ ભી અપના હૈ વો જીત ગયા તો ક્યા ફર્ક પડતા હૈ. ઓકે બટ અભી સિડનાઝ કા ક્યા હોગા ક્યુંકી આપ તો લોગો સે કહે રહે મુજસે શાદી કરોગે. સિડનાઝ જો નામ જુડા હૈ વો મેરી એક ફેમિલી બન ચુકા હૈ. સો યે મુજસે શાદી કરોગે જો હમારા શો હૈ કલર્સ કા. સો મેં ચાહતી હું કે લોગો કે સામને મેરી એક રિયાલિટી આયે ઓર મેરા હમેશા ઘર મેં ભી વન સાઇડેડ લવ દિખા હૈ. સો મેં દેખના ચાહતી હું કે આ મેરે લીએ મુજે કોણ ઇમ્પ્રેસ કર સકતા હૈ ઓર કૈસે મતલબ ક્યા ક્વાલિટીઝ ચાહિયે આપકો. ક્વાલિટીઝ एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी को मेरे को कन्वेंस ना करना पड़े उस लड़के को, मतलब वो समझे मेरी फीलिंग्स को. मतलब लोग फीलिंग्स नहीं ना समझते, मेरे को यही होता है कि मेरी कोई फीलिंग समझे मैं अंदर से क्या चाह रही हूँ. तो वो इशारों इशारों में ही बातें हो जाए कि ये है ऐसे है अब ये मत करना. तो ये चीज़ें तो ऐसा लड़का अगर मिलता है तो कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑन द सपोर्ट देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ होती है, क्या बनती है, कोई पसंद आता है नहीं आता. सो मैं इस चीज़ को भी रियलिटी है ये और रियलिटी के तौर पे ही हम दिखाएंगे. अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो हम जरूर शादी करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि रियल ही रहूँ मैं इस शो में और मैं रियलिटी दिखाऊँ, कोई जबरदस्ती ना करूँ अपने साथ. सो अगर नहीं पसंद आएगा तो मैं भी नहीं होगा कुछ. आज काफी प्रिटी लग रही हो तो आज के लुक के बारे में बताइए. हाँ आज के लुक ये बिग बॉस की तरफ से लुक है मेरी. तो क्या मतलब क्या पहना है? मैंने आपको नहीं पता मैंने क्या पहना, सूट पहना है. हाय रब्बा, येलो कलर का सूट पहना है, बीच में गोल्डन कलर की ये गोटा है और पिंक पुंक पता नहीं क्या क्या कलर है, इतना मैंने नोटिस नहीं किया. तो यही चीजें हैं, सूट है, सूट में अच्छी लगती हूँ, कैरी अच्छा करती हूँ. तो बिग बॉस को पता है ये चीज और उन्होंने इसीलिए स्टाइलिस्ट को बोला है कि मेरे लिए सूट बनाओ. तो बस सूट डालना अच्छी चीज है, सूट डालो, कंफर्टेबल रहो और जब फिगर मेंटेन हो जाए तो फिर कुछ भी कैरी कर सकते हो. लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगे, आपके साथ हंसे हैं वो, आपके साथ रोए हैं, आपको इतना प्यार मिला, करोड़ों की तादाद पे वो चाहे होंगे आपको, तो उनको क्या कहेंगे और उनको एक गाना अगर डेडिकेट करना चाहोगे तो?
आई लव माई सपोर्टर्स. मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी आज जब मैं टॉप थ्री में पहुंची, बिकॉज मुझे ये था कि मुझे कितना प्यार करते हैं लोग, तो मैं उनको भी, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं नहीं चाहती वो मेरे साथ किसी भी चीज के लिए नाराज हो, बिकॉज आई रियली लव यू एंड रिस्पेक्ट यू. ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, ये ना हो कि रियलिटी शो खत्म हो गया, हाँ 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 3 महीने 4 महीने बस दैट्स इट. मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे एंटरटेन करूँ, इसलिए मैं एक और रियलिटी शो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू, कि तुम्हारी नजरों के मैं सामने रहूं और मेरी रियलिटी तुम्हारे सामने ही रहे, मैं कैमरास के बीच में ही हूं और तुम्हें दिखती रहूंगी मैं कलर्स पे. सो सपोर्ट करना, पॉजिटिवली लेना चीज को. गाना अगर रेडी के उनको करना चाहिए. हाँ, एक गाना कौन सा गाऊं आप बताओ. वहम वहम उसी के छड़े आते मारे जावांगे, जट्टी दी तका काय अख भी ना फरकी, झूठे आ प्यार तेरा ढाई वीकां दा, सच्ची साडी जुत्ती दे ना याद चोबरा, वे मैं फिरदी सहेलियां ना मौजां लुटदी, सोची ना के होगी बर्बाद चोबरा, ना ही तेरा आया कोई ड्रीम जट्टी नू, पूरा सुन लो, ना ही तेरा आया कोई ड्रीम जट्टी नू. हमारे साथ है बिग बॉस के घर के बाजीगर बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के दिल जीते. हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच. आई फील रियली ब्लेस्ड राइट नाउ. जो भी हुआ, माय लाइफ जस्ट चेंज. सो थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू कलर्स, थैंक यू एंडमॉल एंड थैंक यू ऑडियंस. आप जो हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, फ्रॉम फर्स्ट डे टू अभी तक. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. यू नो, मंजिल के इतने करीब आके आसिम जस्ट एक पैर आगे, तो कैसे लग रहा, क्या फीलिंग था उस वक्त? फीलिंग थोड़ा ऐसे हुआ कि जीतने का जुनून था, बट 22 लोग थे, एक को जीतना था एंड फर्स्ट रनर अप फॉर द यू नो द बिगेस्ट शो एवर एंड वी मेड हिस्ट्री एंड आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड. सो डिसअपॉइंट थोड़ा हुआ, बट आई एक्सेप्ट इट एंड इट्स अ ब्राइट फ्यूचर. सो आपकी ये जर्नी है वो आम आदमी की जर्नी बोल सकते हैं, आपके साथ लोगों ने जिया है, आपके फैन ने जिया, इतना ज़्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स मिला, एक्सपेक्ट किया था? एक्सेप्ट बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में नहीं था, बट जिस तरह प्यार दिखाया उस टाइम, उसके बाद तो एक मेरे पे हो गया कि आई नीड टू वर्क हार्ड एंड आई नीड टू बी जैसे मैं था. मैंने गेम को अच्छे से खेला, जस्ट एक्चुअली आई वॉज बींग माई सेल्फ, यू नो कोई गेम स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं शुरू से अभी तक जैसा हूँ मैं रियल लाइफ में, मैं वैसा ही था. सो आई थिंक, बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, आई लव यू. यू नो बिग बॉस के घर पे पहले जाने वाले आप और उसके बाद वाले आसिम, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ सीखा है आपने? आई थिंक सीखा बहुत कुछ है मैंने, एज अ पर्सनैलिटी जो मेरी बाहर निकल के आई है उसमें मैं बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, स्पेशली मेरा गुस्सा, क्योंकि मैं सोचता था मैं बहुत काम इंसान हूँ और ये वो, क्योंकि बाहर की लाइफ में आप चीज़ें इग्नोर करके चले जाते हो तो गुस्सा आता ही नहीं था, वो उस लेवल पे नहीं आया. बट उस घर में यू जस्ट यू नो उसी घर में आप वहीं पे रह रहे हो, यू कॉन्ट इग्नोर. सो विद दैट बींग सेड, आई कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ स्टफ राइट टूडे. वैल्यू पता चली मेरे को बहुत सारी चीज़ों की, यू नो हर चीज़ की. वहाँ पे आपको एक एक अलग तरह से लाइफ दिखती है, वो 4 महीने की जो लाइफ देते हैं, दोस्ती प्यार हर चीज़ की एक वैल्यू पता चली. सो जस्ट फीलिंग वेरी लकी. सलमान ने भी आपको एडवाइस दी गुस्सा कंट्रोल करने की, और वो कुछ एडवाइस काम आई आपके? बिल्कुल आई, सर की बात मैं बिल्कुल समझता था, सुनता था और उस पर काम करता था, बट वो सिचुएशंस ऐसे होते थे कि आप उस पर रिएक्ट कर जाते थे, और जब आपको हीट ऑफ द मोमेंट में यू जस्ट रियली डोंट नो आप क्या बोल देते हो, तो उस टाइम फिर वो चीज़ गलत हो जाती थी, बट देन यू नो आई हैव सेड सॉरी एंड नहीं की वो चीज़, बट फिर हो जाती थी, बट हियर आई एम. प्यार भी मिला आपको, मतलब काफी ब्यूटीफुल रही आपकी वो भी जर्नी, तो आगे क्या हिमांशी के साथ क्या सोचा? हिमांशी साथ में ही है मेरे एंड इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड आई रियली लव हर एंड वी जस्ट नीड टू नो ईच अदर मोर, यू नो घर के बाहर, क्योंकि यू नो शी टोल्ड मी कि घर के बाहर जाके बहुत चीजें जाननी है एंड एवरीथिंग. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, दैट्स इट. या वेरी पॉजिटिव. या आम आदमी नहीं, जॉन सिन्हा ने भी आपके लिए पोस्ट किया, मतलब क्या कनेक्शन है? जब ये बात पता चली मेरे को तो मैं आई जस्ट पिंच्ड माई सेल्फ, मैंने कहा यार ये एक्चुअली हुआ है. तो उन्होंने फोटो अपलोड की थी और मेरे को दिखाई थी, यू नो स्क्रीन पे जब ग्रैंड फिनाले चल रहा था. सो इट वॉज जस्ट लाइक आई कुडंट बिलीव इट. सो बट हुआ है एंड थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्टिंग मी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हैव सपोर्टेड मी फ्रॉम बोहिमिया एंड आई हैव बीन अ क्रेजी फैन ऑफ जॉन सिन्हा एंड बोहिमिया, और वो लोग सपोर्ट करें मेरे को, इट इज़ अ ड्रीम कमिंग ट्रू, नन लेस देन अ ड्रीम. सो थैंक यू सो मच.
लास्टली जिन्होंने इतना प्यार दिया वो व्यूअर्स, उनके लिए कुछ तो डेडिकेट क्योंकि आप रैपर हो, और मैसेज उनके लिए? मैसेज ये है कि फर्स्टली आई रियली 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 लव यू गाइज, मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ. फ्रॉम फर्स्ट डे टू अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, यहाँ पे नहीं होता अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता. सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड द पीपल हु वर नॉट सपोर्टिंग मी, यू नो, बिकॉज वो एक घूस था. बट मैं सारी दुनिया चिना कमाया, वे लोग की बोल दे वे आप घर के वो खाया. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. एक सिर्फ लास्ट सवाल कि बिग बॉस के घर के बाहर किसको मिलना नहीं चाहेंगे? ऐसा कुछ इतनी मतलब इतना कुछ हुआ नहीं कि मुझे नफरत हो गई किसी से. सो वी थॉट वील मेक अ बिग बॉस 13 का ग्रुप. सो सभी टच में रहेंगे, जिसको टच में नहीं रहना वो नहीं रहेगा. बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो बात करेगा मैं करूँगा, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा तो नहीं होगा, अगर आएगा तो दोस्ती बढ़ेगी. बट फॉर श्योर रश्मि, आई वॉन्ट अ वेरी गुड फ्रेंड रश्मि, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर एंड यू नो दैट्स इट. सो या सिद्धार्थ ऑल्सो ऑब्वियसली, मैंने बोला ना अगर हम ग्रुप बनाएंगे, मैसेज करेंगे एक दूसरे को, रिप्लाई आएगा, मिलेंगे, नहीं होगा, सब अपने काम में बिजी होंगे. एंड एवरीबॉडी इज डन सो गुड, एवरीबॉडी इज गोना बी बिजी, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर्स. Okay, if I put it in this way, I don't know if it sounds right or not, but I'm great with kids, and you know, for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like, and of course, you know, to be very honest, if I happen to say that the kind of moods that you all have seen me in, my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs you know with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things, it's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to, or I usually like to be a part of. So you know, I had to be there. Now with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun. And yeah, so I think my journey for however, as in the way it's gone, I think it's been, I've been able to be in it. I say that was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off the He's talking. Game. Yeah, sorry. बहुत ज़्यादा सलमान सर की सजेशंस. इनफैक्ट क्या होता था कि बहुत बार सलमान सर आपको कुछ बोलते हैं, और उसके ही कुछ दो तीन दिन बाद, क्योंकि आपके जहन में है कि आप वो चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं उनके ऊपर आप वर्क करेंगे, और तो आप वो करने जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने के लिए और आप करते हैं. तो बहुत बार अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होता था कि सलमान सर, यू नो, आपको इतना टाइम आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और आप यू नो, शायद कभी एक दो तीन दिन आप चीज़ें ओवरलुक करते हो, पर चौथे दिन क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है तो वो चीज़ आपसे निकल जाती है जो वो नहीं चाह रहे कि आए, और आप वही चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा खराब भी लगता था कि आप उन सजेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो. आपको पता है कि आप वर्क कर रहे हो, पर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर वही चीज आ जाती है. वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपने बहुत बार ये चीज बोली थी कि आसिम से आप बाहर निकल के मिलोगे, बाहर जी 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 जी, आप फाइनली बाहर आ चुके, तो क्या बात? तो मैं मिला ना आसिम को, लेकिन आसिम ने मुझसे बात की और उसने सब क्लियर किया मेरे साथ, एंड यू नो, वी शुक हैंड्स एंड इट्स ऑल गुड नाउ. 141 दिन का बिग बॉस का सफर हो गया है खत्म, और हमारे साथ बिग बॉस 13 सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला. सिद्धार्थ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, पहले तो इस जर्नी के बारे में अगर बोलेंगे तो कैसी रही जर्नी? बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, लेकिन एंड में जो आप चाहते थे वही वैसे ही चीजें हुई, और आपने ट्रॉफी जीती जो इसके लिए आप अपने आप को सेटअप किए थे, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, बिग बॉस के शो में जाने से पहले वाले सिद्धार्थ और बाद में आने वाले, आ गए बाहर ट्रॉफी लेके आए हुए सिद्धार्थ, क्या कुछ बदला है, क्या क्या काम सीखा है? काम सीखा है भाजी काटना, अपने कपड़े धोना, और शर्म आ रही है बोलने के लिए, लेकिन अपने बिस्तर का क्विल्ट अभी ताहना. यू नो, शहनाज के और पारस के स्वयंवर के लिए आप एक्साइटेड हैं? हाँ, मैं खुश हूँ उनके लिए. लास्ट व्यूअर्स को क्या कहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया और सिद्धार्थ बन गए वो? यस,
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा इस कश्मकश में था कि मुझे नहीं पता कि लोग कैसे परसीव करेंगे, कैसा क्या वो मुझे अपनाएंगे, जैसे उन्होंने मुझे अपनाया था जब मैं किरदार प्ले करता था, लेकिन वो मैं नहीं था। आज जब उन्होंने मेरी असलियत देखी तो क्या वो मेरे साथ रहेंगे या जुड़ना चाहेंगे, और आज एटलीस्ट उनके बोर्ड्स देखकर तो यही लगता है कि हाँ, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें देखी नहीं है, उनसे मिला नहीं, इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी 9 गुजराती ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल बटन जरूर थी दबावो, जेथी दरेक वीडियो ना नोटिफिकेशन तमने मळता रहे।